आमजन की आवाज बनकर तेजी से उभर रहा है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया। अपने अस्तित्व पर आए संकट से उभरने के लिए कुछ नवाचारों की ओर कदम बढ़ाने की बजाय प्रतिस्पर्धा में मौजूद अन्य प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाकर उन्हें कोसने और नीचा दिखाने के प्रयासों से यदि अखबार की पाठक क्षमता और सेल बढ़ती हो तो यह निचले स्तर की द्वंद्वात्मक प्रतिस्पर्धा ही कहलाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, ऐसे में अखबार को अपना भविष्य डूबता नजर क्यों आ रहा है? डिजिटल मीडिया ही भविष्य है, इस बात को मान लेने में संकोच क्यों? डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया माध्यमों की व्यापकता और सजगता से घबराए एक अखबार ने बताया कि अखबार संक्रमण नहीं फैलाते, सजग करते हैं। मोबाइल पर तो 20 दिन तक कोरोना रहता है, ऐसा बचकाना वक्तव्य भला कौन, क्यों और कैसे दे सकता है, जबकि वह खुद, उसका परिवार, उसका हर एक कर्मचारी हाथ में मोबाइल लिए रहता है। भावनाओं पर नियंत्रण खो चुके समाचार पत्र के संचालकों पर टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है। दर्शक खुद तय करता है कि वह क्या देखना, सुनना और पढ़ना पसंद करता है। आइए देखते हैं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बारे में शहर की विख्यात शख्सियतों की राय, जिन्होंने आज के मीडिया तंत्र में इस माध्यम की उपयोगिता पर कैमरे के सामने होराइजन हिंद न्यूज को सटीक राय दी है। सर, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है, नो डाउट। उस टूल के बारे में आप अपनी राय बताएं, नौजवान साथियों को गाइड करें या राय बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल जिस तरह से पहले सिर्फ जोक्स और अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता था, अब न्यूज़ के लिए यूज होना शुरू हुआ है। पिछले 2-3 सालों में बड़ी तेजी से बदलाव आया है। खबर सुबह 6 बजे का इंतजार नहीं करती, पाठक 6 बजे का इंतजार नहीं करता, शाम को 5 बजे, 4 बजे, इनफैक्ट घटना होने के आधे घंटे में मोबाइल पर सर्व कर दी जाती है। इस रेगुलेशन के बारे में आपका क्या? ये जैसे कहा ना आपने, टूल तो इतना मारक है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और अब जो शुरुआत हुई है कि इसमें आपके इर्द गिर्द जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को भी लोग शेयर करने लगे हैं, तो न्यूज़ कह दें इसको, व्यूज़ कह दें इसको, दोनों ही चीज़ों के अंदर सोशल मीडिया का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, ये मैं सोचता हूँ कि हमारे सोसाइटी के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक मजबूती की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो एक टाइम था प्रिंट मीडिया का, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद के अंदर ऑब्सोलीट हुआ, ख़त्म तो नहीं हुआ मगर उसकी लोकप्रियता घट गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत तेज़ी के साथ में न्यूज़ों को फटाफट फ्लैश करके दिखाने लगा, क्योंकि अब तो एक टाइम था जब टीवी आया था तो 5 बजे से दूरदर्शन चालू होता था और दूरदर्शन के समाचार पढ़े जाते थे, तो वो भी 2 घंटे और 3 घंटे तो टोटल टीवी चला करता था, उससे ज़्यादा प्रोग्राम ही नहीं होते थे जब स्टार्ट हुआ था। और अब तो 24 घंटे जो है न्यूज़ चैनल चलने लगे, आप अब उसके लिए एक थ्रेट बन गए हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज़ें फ्लैश हो रही हैं ना, वो उससे पहले इसके ऊपर आ जाती है और लोगों की जानकारी के अंदर चली जाती है, तो यू हैव बिकम ए थ्रेट टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर सोशल मीडिया, इट शुड बी वेलकम लाइक एनीथिंग। तो ये एक अच्छी बात है, और मैं तो ये चाहूँगा कि नौजवान जो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाने के बजाय इसके ऊपर कोई इनोवेशन होना चाहिए कि किस तरीके से आप ये जो चैनल आज होराइजन का जैसे अपना न्यूज़ का है, तो इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप लिंक कर सकें, उनको अपने साथ जोड़ सकें, जो ग्रुप्स आपने बना रखे हैं उसके अंदर इनको आप जो है शेयर करें। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक लोगों को अवेयर करने का कि उनके अगल और बगल के अंदर क्या हो रहा है। कोरोना जैसी महामारी जिससे पूरा विश्व त्रस्त था, और भारतवर्ष और राजस्थान और अजमेर भी से अछूता नहीं था, इस दौरान सोशल मीडिया और जो आपके विजुअल मीडिया, इन्होंने जो काम किया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और सोशल मीडिया में ये सबसे बड़ा, आपका जो सोशल मीडिया है, जो आपके व्हाट्सएप है, जो फेसबुक है,
जो आपके इंस्टाग्राम जितने तरह की भी है, इन लोगों ने जिस प्रकार आम जनता को कोरोना के विरुद्ध अपडेट रखा, आम जनता को कोरोना से सावधान रखा, आम लोगों को सरकार की जो गाइडलाइन है वो बताई, और उसके साथ साथ जो ज़रूरतमंद की ज़रूरत थी वो सरकार तक पहुँचाई, उसके लिए मैं सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और विशेषकर उन सभी लोगों का कि जिन्होंने इस समय पर अपना समय खराब करके, अपना टाइम दे करके अपना सोशल मीडिया खूब चलाया। मैं हॉरिज़न इंडिया का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन लोगों ने उस टाइम बहुत मुश्किल से काम किया, और साथ ही इन्होंने जो सरकार को बात बतानी थी जनता की वो उनको बताई, जो सरकार ने जो जारी की डायरेक्शंस जनता को बताए, और जो जहाँ कमियाँ थी वो भी उजागर करके वो जन सरकार का, अफसरों का, जनपदों का ध्यान आकर्षित किया, और साथ ही जिस प्रकार से भामाशाओं और समाज सेवी संस्थाओं को इन्होंने प्रोत्साहन किया, उसी का परिणाम है कि अशोक गहलोत जी की जो ये घोषणा थी कि कोई भूखा नहीं सोएगा, उसके अंदर पूरे समाज ने एकजुट होकर साथ दिया। एक बार फिर मैं इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। देखो, लॉकडाउन में निश्चित रूप से मीडिया की अहम भूमिका है, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन अब सोशल मीडिया का काफ़ी प्रभावी ढंग से भूमिका अदा कर रहा है, और मैं सोचता हूँ कि इसके माध्यम से लोगों की अंदर की भावनाएं बाहर प्रकट होती हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक सीमाएं हैं, लेकिन सोशल मीडिया काफ़ी बिना किसी खर्च के, बिना किसी साधनों के व्यक्ति उसका उपयोग कर लेता है। लेकिन साथ में अपेक्षा है कई बार सोशल मीडिया जितनी जिम्मेदारी पूर्वक उसको करना चाहिए, कोरोना के दौरान उसने समाज की कमियां भी उजागर की, सिस्टम की कमियां भी आई, और उसको लेकर के कोरोना के महामारी सबने मिलकर के लड़ी है, उसमें सोशल मीडिया की भी भूमिका अहम रही है। कोरोना काल में देखा जाए तो मार्च के बाद से, जैसे मार्च 2020 से लोग घरों में कैद होकर के रह गए, तो ऐसे में शहर में, देश में, विदेश में क्या चल रहा है ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो पाती थी। खाली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ही ऐसे माध्यम थे जिनके कारण से लोगों को तुरंत जानकारी उपलब्ध होती थी। इंतजार नहीं करना पड़ता था कि भाई अखबार में कल क्या आएगा, अखबार में क्या पढ़ेंगे, और इस दौरान तो जैसे कि लोगों को भ्रांति रही कि कोरोना अखबार पर भी चिपक के आएगा, तो लोगों ने अखबार भी नहीं पढ़े। उस को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इसमें भागीदारी निभाई, और लोगों को अप टू डेट जो भी अपडेट होना था तुरंत प्रभाव से, किसी भी तरह की जानकारी हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे दुर्घटना हो, सभी की जानकारी, धार्मिक है या अन्य कोई कार्यक्रम हो, सबकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को तुरंत होती थी। और ये प्लेटफॉर्म देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस दौरान डेवलप हुआ है, लोगों को घर घर के सारी जानकारी इस माध्यम से होने लगी। कोविड-19 के चलते हुए जिस तरह देश के अंदर महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया के अंदर महामारी फैली हुई है, सतर्कता बरतने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए और लोगों में जागरूकता लाने के लिए जिस तरह सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उनके माध्यम से लोगों में जागरूकता आई, लोगों को स्थिति से अवगत हुए लोग, और इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि हर आदमी ने जो आज मास्क लगा रखा है या सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालना चल रही है, या आदमी सतर्क है कि भाई मैं किसी भी रूप में घर से जब भी निकलूँ, जब मुझे आवश्यक कार्य हो, तो उस सब चीज़ के लिए जो सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूकता पैदा की, ज़रूरतमंद लोगों के बारे में लोगों को बताया, सामाजिक संस्थाएँ हैं या जो दूसरी NGO और जो भामाशाह लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से जो मदद पहुँची, वो भी उसमें भी एक सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही लोगों के बारे में जब बताया कि लोगों के पास खाने तक को सामान नहीं है, जो घरों से लोग नहीं निकल रहे थे, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया था, अचानक जो है लोग जो मजदूर थे, दहाड़ी मजदूर थे, या जो लोग बिल्कुल रोज़ के कमाई करने के अलावा कुछ प्राइवेट नौकरियाँ करते थे, दुकानों पर नौकरियाँ करते थे, कुछ फैक्ट्रियों पर नौकरियाँ करते थे, वो सब बेरोजगार हो गए, उन लोगों की मदद के लिए भी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आगे आए, लोगों की मदद की। घर बैठे खबर मिल ही रही थी, यही मैंने जो बताया आपको, यही है कि सारा जो मीडिया के माध्यम से ही लोगों को जागरूकता ही,
लोगों को कोविड 19 की महामारी के बारे में मालूम पड़ा, जो आम आदमी की स्थिति थी उसके बारे में मालूम पड़ा कि किस तरह परेशान चल रहे हैं लोग और किस तरह अस्पतालों के अंदर व्यवस्था की हुई है सरकार ने, तो उन सबों की जानकारी थी। अगर जानकारी का अभाव होता निश्चित तौर पर लोगों को उनमें जागरूकता नहीं आती और इस महामारी में और ज़्यादा तीव्र गति होती। डिजिटल न्यूज़ और सोशल मीडिया तो मैं कह सकता हूँ कि इस देश में बहुत देरी से प्रारंभ हुआ और इससे सबसे बड़ा लोकप्रियता और शेयर की मैं श्रेय की बात करूँगा तो आदरणीय मोदी जी। आदरणीय मोदी जी, सोशल मीडिया का मतलब है पारदर्शिता। आपने सुबह क्या किया, एक घंटे बाद आपको आपके कैमरे पे आपके हाथ में वो चीज़ उपलब्ध है। ये मैं कह सकता हूँ कि जनता के बीच में ताल ठोक करके यदि किसी बात को कहने का दम कम बात है, देश का किसान भी खेत के अंदर खेती करता हो यदि अपनी बात को कह सकता है सुन सकता है, तो ये जो नया प्रारंभिक काल ला करके देश को दिया है इसमें पारदर्शिता में कर सकता हूँ, चाहे ये डिजिटलाइजेशन चैनल के माध्यम से हो, चाहे वे आपके व्हाट्सएप की दुनिया है जिसको हम कह सकते हैं सोशल मीडिया, या और अन्य जितने भी नेटवर्किंग के ई नेटवर्किंग के जितने भी चैनल चालू हुए हैं, और चाहे आपके ओरिजिनल चैनल को भी मैं बधाई प्रेषित करता हूँ। अजमेर के अंदर इस देश दुनिया को जोड़ने का काम आपने किया है, ये मील के पत्थर साबित हो रहे हैं और